इंटरटेक न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज भलिया, कफील को रिहा करे सरकार चेयरमैन मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में डॉक्टर काफिल खान को पिछले 6 महीने से योगी सरकार ने सिर्फ मुसलमान होने के कारण किसी न किसी बहाने फर्जी मुकदमे लादकर जेल में बंद कर रखा है। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो मुख्यमंत्री के गृह जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक जिम्मेदार डॉक्टर की हैसियत से न सिर्फ सवाल उठा रहे थे बल्कि गरीब मरीजों की सेवा भी कर रहे थे। सीएम योगी ने उनके रिहा होने के तमाम रास्तों को बंद करने की नीयत से उन NSA तक लगा रखा है। ऐसे डॉक्टर का जेल में होना एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज को बेचैन करने के लिए पर्याप्त है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश सचिव सबीहुल हसन व बलिया जिला चेयरमैन मोहम्मद आसिम सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाया। कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के निर्देश पर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज उठाने का आगाज किया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग बलिया, किन मतों को लेकर आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? डॉक्टर कफील खान के रिहाई के मसले को लेकर के उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जिसमें 6 महीने से जेल में बंद है, उनको बगैर किसी जुर्म के, अगर किसी सबूत में उनका नाशा लगाया गया है तो एक बहुत बड़ी धारा है। और जब भी सरकार ये चाहती है कि किसी को जेल नहीं बन सकते, जबकि वो डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं और ये एक बड़ी बनाई साजिश है जिसको अपने जेल में डाला गया है। और भी मुझे जो अल्पसंख्यक नेता है उनकी रिहाई की आप बातें कर रहे थे, कलीन कफील की रिहाई की बात कर रहे हैं, और तो कोई इस तरह का नहीं है जो जेल में बंद है। कफील जो है क्योंकि ये एक बिल्कुल निर्दोष है, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता है और इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी, कांग्रेस माइनॉरिटी जो है उनके रिहाई की मांग कर रही है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, हस्ताक्षर अभियान हुआ है और मदरसे में दुआ हुई है, कब्र पे मजारों पे जाके दुआ हुई है, चादर चढ़ाई गई है और रक्तदान हुआ है, जिसमें रक्तदान देने वाले हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष फैज साहब हैं और 12 तारीख को प्रोग्राम की ओर है वो ज्ञापन देना है टीम साहब को, ओनर साहब को। अचानक अल्पसंख्यकों पे कांग्रेस की मेहरबानी शुरू हो गई, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? ये तो हमेशा से रहा है, कोई नई नई मेहरबानी तो नहीं हुई है। अल्पसंख्यक विभाग तो बहुत पुराना है कांग्रेस पार्टी में। अब वो प्रदेश अध्यक्ष एक बताइए कौन मुसलमान को लिया? हाँ, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे शाहनवाज साहब। प्रदेश अध्यक्ष हैं जी? प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटीज मेन में क्यों नहीं रखा जाता? मेन में रखने का वो अपनी पॉलिसी है, हमारे पॉलिसी है जी, मतलब मुसलमानों का इस्तेमाल है? नहीं, इस्तेमाल तो नहीं है। जैसे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस में अब हमदर्दी दिखाती चली जाएगी मुसलमानों से, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेन वजह बताइए आप। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है या कांग्रेस का कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ग्राफ बराबर होने वाला है, होने वाला है। हाँ, अपने ग्राफ बराबर होने वाला है। आप माइनॉरिटीज के, आप माइनॉरिटीज के बलिया की सिर्फ इतनी बात करिए, बलिया में आज तक कोई अल्पसंख्यक क्यों नहीं लड़ा है? अगर आपकी पार्टी इतनी सेकुलर है, अब लड़ेगा। कितने दिनों को लड़ाएंगे अल्पसंख्यकों को आप? देखिए, अब तो मेरे बड़े डिसाइड करिए कितने लड़ाएंगे, लेकिन लड़ेगा तो सिर्फ की, लेकिन उनको पीछे धकेलने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। मलियाना कांड, मऊ, बनारस, बाबरी डेमोलिशन, ताला खुलवाना, सब कांग्रेस। इस कांग्रेस की आप बात करें, अल्पसंख्यकों का उत्थान क्यों नहीं हो पाया कांग्रेस में? जी, मैं आप बात कहना सही है, लेकिन उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र, अपोजिशन पार्टी का षड्यंत्र था, कांग्रेस ने नहीं कराया। एक छत्र राज था कांग्रेस, अपोजिशन में कौन रहा? कांग्रेस के जमाने में अपोजिशन की कहा? छत्र राज था, ठीक कहा, कितना ठीक कहा, बताइए संख्या क्या थी?
संकट क्या था? पावरफुल कौन था? 16-17 पार्टियां थी उसमें, ठीक है, बाकी लोगों की क्या स्थिति थी और कांग्रेस की क्या थी? 420 सीट लोकसभा में, 420 सीट कांग्रेस, फिर ऑपोजिशन का मतलब क्या हुआ? नहीं, उस जमाने की बात हुई जहाँ आई इंदिरा गांधी कांग्रेस की, हम लोग बीजेपी की है। नहीं, आज सवाल तो वहाँ से उठता है, बात कांग्रेस की भी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ पद के आसीन है और आज आप कांग्रेस कर रहे हैं, आप उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाने की बात ना करें, आप उनकी बहबूदी की बात करें, ठीक है? नहीं, आप बताइए इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही गई और सबसे ज़्यादा रूल किया कांग्रेस, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट जो मुसलमानों में शुरू हुई इन्हीं को गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, तो हमारे लिए तो सारी पार्टी बराबर हुई, मतलब अल्पसंख्यक को आप उसे बेस्ट कैसे माने और अचानक मुसलमानों से प्रेम कैसा शुरू हो गया? लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट बना है कांग्रेस का, पहले बता देते हैं, मैं बता रहा, लेकिन ये अभी बिल्कुल फ्रेश नहीं हुआ, उसका चक्कर हो जाएगा, प्रोग्रेस अभी नहीं हुआ है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बोले आला अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं आते, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, मुसलमानों पे इतनी मेहरबानी कैसे? सब है, जैन भी है और क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सारे हैं, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन हिसाब से है। आरोप जो था उन पे वो जेल में जेल काट चुके हैं, सबको पता है, जो साल तक वो जेल में थे, जो बीआरडी कॉलेज का मसला था उसमें निर्दोष पाए गए और वहाँ से उनको बरी किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने कहीं ये योगी सरकार जो है उनको फिर जाति की लपेटे और ऐसा लपेटा है बस एक बंदे की एक भावना है, मुसलमानों से चिड़ है, लेकिन सरकार को और कोई बात नहीं है, और क्या बात है, कांग्रेस में ही हिफाजत है मुसलमानों की, बिल्कुल हिफाजत है, हमेशा हिफाजत रही है कांग्रेस की। आज तक कांग्रेस क्यों तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है कई मुद्दों पर, जो जिन मसलों को आज बीजेपी सुलझा ली उसको क्यों नहीं कांग्रेस सुलझा पा रही थी? क्या सुलझाया बताइए, क्या सुलझाया? आपका तीन तलाक सुलझा दिया, तीन तलाक हमारा कोई मसला ही नहीं था, कोई मसला चंद और से जाकर के उन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया कि हम लोग तीन तलाक से जिन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन मेजॉरिटी से मेजॉरिटी जो अभी उनके फेवर में है ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक उनका एक मुद्दा था बीजेपी का दिखाने का। आप मानते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं आज मुख्य धारा में जुड़ते हैं? कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, अभी देश के आज़ाद हुए 70 साल में जी, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक के घरों में वह रोशनी नहीं जल पाई है जो जलनी चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? जिम्मेदार तो हम किसी को नहीं कहेंगे, हमारी भी गलती इसमें है, अल्पसंख्यक की भी गलती है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्या सबके क्या गलती है? गलती है कि वो इस तरह के मतलब आगे नहीं लग पड़े। आप कैसे कर सकते हैं अल्पसंख्यक बैकवर्ड होता था, एपीजे कलाम नहीं बन पाता, आपने कैसे कह दिया पीछे मुसलमान है? ये बताइए कि जो 70 साल का इतिहास रहा अल्पसंख्यक शब्द देकर मुसलमानों के साथ जो छल हुआ, क्या आप उसे छल मानते हैं या नहीं? हाँ, कहीं कहीं गलतियाँ हुई हैं, बात सही है। किस कौन जिम्मेदार है उन गलतियों के लिए? उन गलतियों के लिए तो सब जिम्मेदार है, कांग्रेस, बीजेपी या अदर पार्टी, सारे। बीजेपी तो 100% है, 100% सत्ता में कौन कितना दिन रहा? कांग्रेस रही है, बात सही है। जिम्मेदार कौन हुआ? हाँ, तो जिम्मेदारी कांग्रेस। जिस तरह से आप एक डॉक्टर कपिल को छुड़ाने की कवायद कर रहे हैं, क्या अल्पसंख्यक को ऊपर उठाने की कवायद नहीं करेंगे? हाँ, कोशिश हो रही है उसमें, कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा सत्ता पे कांग्रेस सही है भारत में, और इतना प्यार मुसलमानों ने खासतौर से रिवॉल्यूशन के बाद। अपना परिचय बताएं सर। शमीउल हसन, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग, आजमगढ़ मंडल प्रभारी। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक अभियान चला रखा है, जो 22 जुलाई से चल रहा है हस्ताक्षर अभियान।
29 जुलाई तक चला, उसके बाद मदार शरीफों पे जाकर उनकी रिहाई के लिए दुआ खानी किया गया, रक्तदान शिविर लगाया गया। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश योगी सरकार से ये अपील अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी करती है उत्तर प्रदेश की कि उनको रिहाई किया जाए। और इसी के अंतर्गत आगामी 12 अगस्त को प्रत्येक ज़िले के जिला मुख्यालयों के जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा डॉक्टर कपिल की रिहाई के लिए। आज उसी सिलसिले में हम आपके बलिया जिले में आए हुए हैं और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि बिना कारण, बिना कोई कसूर के उनको 6 महीने से जो जेल में रखा गया है तत्काल उनकी रिहाई की करें। और वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, वो गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की सेवा करते हैं, उनका पेशा डॉक्टरी का है, वो बिना भेदभाव के वो हर जगह जगह जाके लोगों के इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। उनका एक अपना एक संस्था भी, एनजीओ भी है, उसके माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं। अगर उनकी रिहाई नहीं होती है तो आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अभी तक हम लोगों का जो कार्यक्रम 12 अगस्त तक का है, उसके बाद से माननीय प्रियंका गांधी जी और प्रदेश चेयरमैन शरमा आलम जी का जो दिशा निर्देश आगे होगा उस पर फिर अल्पसंख्यक कांग्रेस काम करेगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।